सत्संग घर को कोरोना वायरस के चलते क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसमें सभी जरूरी सुविधाएं राधा स्वामी सत्संग घर कमेटी की ओर से उपलब्ध करवाई गई हैं। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग, बीडीपीओ अंग्रेज सिंह मोर व चिकित्सकों ने राधा स्वामी सत्संग घर का मुआयना किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम सुमित सिहाग ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इंद्री के राधा स्वामी सत्संग घर को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी हल्के के मजदूर जनवरी या कुछ अन्य महीनों में गुजरात व मध्य प्रदेश में फसल काटने या मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनके आजकल वापस आने पर उन सबको 14 दिनों के लिए इस राधा स्वामी सत्संग घर में क्वारंटाइन किया जाएगा। यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है। पूरे स्थल को सैनिटाइज किया जा चुका है और यहाँ पर खान पान, दवाइयों व साफ सुथरे शौचालय जैसी सभी सुविधाएं हैं। क्वारंटाइन करने से पहले सभी के पूरे टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी सत्संग घर कमेटी ने खुद ही इस कार्य में सहयोग करने की पहल की है। ऐसी माइग्रेंट लेबर हो सकती है, प्रवासी लेबर जो कहीं ना कहीं के लिए पलायन कर रही होती है, ऐसे लोगों के लिए जो हिदायत सरकार द्वारा दी गई है उस हिदायत के अनुसार हमने यहाँ पर शेल्टर होम बनाया है। राधा स्वामी सत्संग घर ये इंद्री में फूसगढ़ में है और यहाँ पर जो राधा स्वामी संस्था है वो बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया और प्रशासन में सहयोग के लिए वो सामने आए हैं। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था, सेवा इनके द्वारा की जा रही है। और इस प्रकार की कोई भी अगर अन्य प्रकार की भी कोई लेबर जिसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है और जो कहीं के लिए पलायन कर रही है, अगर वो इंद्री से होकर के गुजरती है तो उनको हम यहाँ रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम है। है कि कुछ गांवों में लोग बाहर से वापस आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर फसल कटाई का सीज़न शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो कंबाइन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह में गई हुई थी तो वो कंबाइन वापस आ रही है और उनके साथ गांव के जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। उनका प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप किया जाएगा हमारी टीम्स के द्वारा, जो मेडिकल टीम्स यहाँ गठित की गई हैं, और अगर उनमें कोई लक्षण ऐसे पाए जाते हैं तो उन पर अलग प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। और अगर वो ठीक पाए जाते हैं, उनमें लक्षण अभी किसी प्रकार के नहीं हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन यानी घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। वर्मा जी, इन्होंने अपने आप ही हमें मैसेज दिया कि किसी भी प्रकार की अगर मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं और कितने ही आदमी यहाँ पे आ जाओ शेल्टर होम देने के लिए तैयार हैं। जितने भी आदमी आएंगे हम उन सब के खान पीन की व्यवस्था भी करेंगे और जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था का सवाल है वहाँ पे जो अंदर गद्दे लगाए गए हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वो लगाया गया है सर। और यहाँ पे शुरू में मेडिकल टीम है जो चेक करती है, उसके बाद ये इनके रिसेप्शन भी है जो इनके एंट्री होगी, कौन आदमी आएगा, कौन जाएगा, कैसे जाएगा। यहाँ पे इनकी किचन बहुत बढ़िया है, देखी मैंने, चेक कर ली है, रहन सहन का बहुत बढ़िया है और जो टॉयलेट्स हैं उनमें भी साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी प्रवासी लेबर या कोई नहीं आई, जैसी आएगी ये हर रोज़ पूछते हैं कि हमसे हमें बताएं। हम इनका बहुत ही तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस विपदा की घड़ी में प्रशासन का पूरा सहयोग किया। ये राधा स्वामी सत्संग में यहाँ पे शेल्टर होम बनाया गया है टेम्प्रेरी क्वारंटाइन करने के लिए, जो माइग्रेंट लेबर्स, जो प्रवासी जो लेबर थी जो यहाँ से कंबाइंड लेके गुजरात या महाराष्ट्र जाते थे हार्वेस्टिंग के लिए, वो हार्वेस्टिंग करके अब इसी टाइम वापस आते हैं, तो उनको मतलब गाँव में जाने से पहले या उनको काम शुरू यहाँ लोकल जैसे हार्वेस्टिंग करनी थी उससे पहले यहाँ पे ये रखने का इंतजाम किया गया था। लगभग 100 आदमी यहाँ पे हमने रखने थे, क्वारंटाइन करने थे, और 15 दिन उनका पहले मेडिकल होगा, मेडिकल चेकअप होगा, फिर यहाँ पे आके रुकेंगे और 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के फिर उनको यहाँ से अपने काम में, अपने गांव में भेजने का प्रोग्राम था। तो फिलहाल अभी एक ही आदमी आया हमारे पास, कल रात को आया था, वो बीबीपुर गाँव का है। पहले कल वो मेडिकल करवाया उसका करनाल में और मेडिकल करवाने के बाद वो यहाँ पर आया था, तो रात को यहीं स्टे किया था। उम्मीद है कि आज दोपहर के बाद कुछ और आदमी आएंगे। और साथ में ये भी प्रशासन की तरफ से मैसेज आया है कि जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको यहां पे ना रख के उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जाए 15 दिन के लिए। तो हो सकता है कि हम यहां पे बहुत कम आदमी रखें और उनके जो आसपास के गांव के लेबर हैं उनको उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जाए, ऐसी सरपंच और प्रशासन से इस तरह की मैसेज हमारे पास आया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.